भारत में अगर कोरोना की स्थिति की बात करें तो हर दिन स्थिति बदल रही है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि भारत में इस वक्त संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी है। चलिए अब मैप पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब का अगर रुख करें तो 186 केस यहां पर पंजाब से सामने आए हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं यहां पर हरियाणा की, तो हरियाणा में मामले बढ़ चुके हैं, 221 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली इस वक्त महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा यहां पर कोरोना की मार झेल रहा है, 1640 केस दिल्ली में सामने आ चुके हैं। वहीं अगर मध्यप्रदेश की बात कर ले तो मध्यप्रदेश में भी केसों की कमी नहीं है, यहां पर 1120 केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई मार झेल रहा है कोरोना की तो महाराष्ट्र है, जो कि 3205 केसों के साथ संक्रमित लोगों की संख्या में नंबर वन स्थान पर है। वहीं अगर हम बात कर ले महाराष्ट्र के बाद केरल की, तो केरल में 395 मामले सामने आए हैं। केरल का ही ऐसा मॉडल है जो पूरे देश में अप्लाई किया जा रहा है, प्लाज्मा के जरिए यहां पर इलाज किया जाएगा। दिल्ली में इस मॉडल को मंजूरी दे दी गई है। केरल की स्थिति की बात करें तो केरल की स्थिति बेहद बेहतर है, यहां पर तमाम लोग ठीक हो चुके हैं, मौत का आंकड़ा भी यहां पर बढ़ने नहीं दिया गया है। वहीं बात कर ले तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 1267 केस सामने आए हैं। उसके बाद तमिलनाडु के बाद रुख करें उससे सटे हुए राज्य तेलंगाना की, तो तेलंगाना पर अगर हम नजर डालते हैं तो यहां पर भी मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 700 केस तेलंगाना से आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल का रुख करें तो पश्चिम बंगाल में 255 मामले सामने आए हैं। वहीं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 805 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। राजस्थान की भी हालत कुछ बेहतर नहीं है, यहां पर भी मरीजों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, यहां पर 1131 मरीज हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पर अगर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर में भी 314 केस सामने आए हैं।